चीन लगातार अपने हथियारों के जखीरे में बढ़ोतरी कर रहा है। चीन की ऐसी हरकतों के कारण कई देश चीन के विरोध में उतर आए हैं। वहीं चीन का कहना है कि उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में परीक्षण किया है। चीन के मुताबिक 25 सितंबर को 40 साल में पहली बार इस तरह का परीक्षण किया गया है। चीन के मुताबिक ये परीक्षण उसके रूटीन का हिस्सा था। इस मिसाइल के निशाने पर कोई देश नहीं था। चीनी मीडिया की माने तो सरकार ने इस बारे में संबंधित देशों को पहले ही बता दिया था, लेकिन इस लॉन्च से हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। जानकारों का कहना है कि इससे पता चलता है कि चीन की लंबी दूरी तक हमला करने की न्यूक्लियर क्षमता बढ़ी है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, कहा जा रहा है कि चीन ने DF-41 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, लेकिन चीन की तरफ से मिसाइल के वेरिएंट को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। 1980 में चीन ने DF-5 का इसी तरह परीक्षण किया था। उस दिन मिसाइल ने 9000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी। इस बार DF-41 ने 12000 किलोमीटर की यात्रा की है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि अमेरिका के कई शहरों को तबाह कर सकती है। ये दावा किया गया कि DF-41 मिसाइल प्रशांत महासागर में तय टारगेट स्थान पर गिरी। ये एक एटमॉस्फेरिक टेस्ट था, यानी कि मिसाइल को वायुमंडल के बाहर भेजकर वापस लाना। कौन कौन से देश इस मिसाइल के रास्ते में पड़े? चीन ने जो मिसाइल दागी ये पहले सीधी उड़ान भरती है, इसके बाद वायुमंडल के ऊपर जाती है, जबकि नीचे की तरफ कई देश परेशान रहते हैं। इसके बाद इन देशों को पार करते हुए मिसाइल ऑस्ट्रेलिया के पास समंदर में गिर जाती है। जिन देशों के ऊपर से ये मिसाइल गुजरी है उसमें सोलोमन आइलैंड, नाउरू, गिलबर्ट आइलैंड, तुवालू, पश्चिमी समोआ, फिजी और न्यू हेब्रिड शामिल है। इसे अमेरिका ने बीते साल आगाह किया था कि चीन ने डिफेंस अपग्रेड के तहत अपनी परमाणु ताकतों को मजबूत किया है। चीन ने जिस मिसाइल यानी ICBM का परीक्षण किया है वो 5500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। इससे चीन की पहुंच अब अमेरिका और हवाई द्वीप तक हो गई है।